हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से, और अभी आज अनमोल की स्कूल है, काफ़ी दिन बाद 4 दिन की छुट्टी पड़ी हुई थी उसकी, तो अनमोल के लिए नाश्ता वगैरह भी बना दिया है। घर के कामकाज निपटा के अभी मैं जा रही हूँ घर के पीछे वाले खेत में, वहाँ पे मम्मी जौ बो रही है, मतलब कुछ हमने कल शाम को बो दिए थे और आधा खेत बचा हुआ था, तो अभी हम मतलब कुदाल से ही बो रहे हैं, हल नहीं लगाए हमने वहाँ पर, क्योंकि छोटा ही खेत था, फिर कहाँ उतने छोटे खेत के लिए यहाँ पर मशीन लाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए हम कुदाल से ही लगा रहे हैं वहाँ पर। तो चलते हैं खेत में, मम्मी से मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने घर के पीछे वाले खेत में, यहाँ पे हमारा घर है और यहीं पे हमारा खेत है, तो इतना तो हमने यहाँ पे जौ बो दिए हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है इतना, देखो, और यहाँ पे मम्मी भी लगी हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? हाथ देखो मेरे कितने काले काले हो रखे हैं दोस्तों, पौधे के रोट। मैं सुबह उठी, मैंने थोड़ा पानी पिया और चाय पी, उसके बाद वो भी काली वाली चाय, ब्लैक टी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। आधा तो हमने कल शाम को बो दिया था। आधा तो हमने बो दिया था मोनिका को, मैंने कहा तू रोटी बना, मैं तब तक यहाँ करती, बस जब तक मोनिका है अब यही रहा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों, अब क्या बोलना, थकान लगी, इतनी धुबड़ी धुबा धूप हो गई, थकान लगी, क्योंकि जल्दी आ गई थी सुबह, मैंने कहा धूप लगती है फिर घास भी निकालना है, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट जितना हो सके सुबह निपटाते हैं, तो इसको जल्दी से निपटाते हैं, उसके बाद घास घूस की व्यवस्था भी करनी है, अभी नाश्ता भी नहीं किया है, तो पहले इसको निपटाएंगे फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद घास की व्यवस्था करेंगे। किसी ने बोला था दोस्तों, क्या बोल कड़ी ज्यादा बनाते, ज्यादा हम कहाँ बनाते हैं कड़ी, बहुत कम बनाते हैं कड़ी, और किसी ने क्या बोला था, उन्होंने ही बोला था, जिन्होंने बोला था कड़ी बनाते, पर कड़ी में एक भी पकौड़ी दिखाई नहीं देती हमको तो कड़ी पकौड़े पसंद नहीं है, हमें कड़ी पकौड़ी पसंद नहीं है, और क्या बोलते हैं, हम तो हैं पहाड़ी, हम कड़ी में पकौड़ी नहीं डालते, हम उसमें झुंगोरा डालते हैं, या बेसन भी आप लोग डालते होंगे, हम तो झुंगोरा डालते हैं उसमें, ऐसी कड़ी बनाते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, हम बाहर वाले नहीं है। दोस्तों, काम धाम तो होते रहेंगे, लेकिन काम धाम के साथ साथ जरूरी है अपनी केयर करना, अपनी स्किन की केयर करना, जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे ना मैसेज आते रहते हैं, कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं लोग कि आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा ग्लो देखने को मिलता है, तो आप अपने फेस में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं अपने फेस में क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। चलो एक बार आप लोगों को ना प्रोडक्ट ही दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स बताती हूँ। तो इसमें मुझे 4 प्रोडक्ट मिले हैं इस किट में, और सबसे पहले ये है सनस्क्रीन, और ये है क्योर स्किन का फेस वॉश, जिसमें ना क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये है फेस जेल, और ये है करेक्टर इमल जेल, ये देख सकते हो। तो इसमें मुझे ना 4 प्रोडक्ट मिले हैं, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ क्योर स्किन के। तो क्योर स्किन नॉर्मली एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं, जिनके साथ आपकी ना लाइव चैट होती है, और जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करते हैं ना, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो जो भी आपको दिक्कत है, आपके फेस में दिक्कत है, आपको बिल्कुल फ्रैंक होकर उनसे बात करनी है, और लाइव चैट होने के बाद वो आपसे सारी डिटेल्स मांगेंगे, एंड उसके बाद आपसे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपके फेस की फ़ोटो मांगेंगे, फ्रंट फेस की और साइड फेस की, और फोटो मांगने के बाद डॉक्टर आपके फेस को ना अच्छे से एनालाइज करेंगे, और फेस एनालाइज होने के बाद ही आपको पता लगता है कि आपके फेस में कौन कौन सी दिक्कतें हैं। पहले मुझे भी लगता था यार मेरा फेस तो एकदम साफ है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मेरा फेस एनालाइज हुआ उसके बाद मुझे पता लगा कि यार मेरे फेस में तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, और फेस एनालाइज होने के बाद ही आपकी किट बनती है, जैसे मेरी ये किट बनी है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन भी रहते हैं कि ये किट कितने तक की पड़ती है, तो मुझे ये किट पड़ी थी 1500 की, और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करोगे सजवान 200, तो आपको 200 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये सिर्फ स्टार्टिंग के 50 कस्टमर के लिए ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ना फ्री डाइट चार्ट मिलती है, जो आपका फेस एनालाइज होता है उसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कितना सारा ट्रैवल चार्ज देना पड़ता है, फिर लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। मेरे भी घर तक डिलीवर हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करके। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूँगी लिंक, अगर आप लोग वहाँ से परचेज करना चाहते हो तो लिंक पर जाके ज़रूर परचेज करें। पे
दादी जा रही थी रोड पे, मैंने कहा दादी की भी वीडियो बनाते हैं, और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना नवरात्रि पे, तो लोग पूछ रहे थे कि दादी के बच्चे कहाँ रहते हैं, तो घर ही पे रहते हैं सब लोग, दादी भी उनके साथ ही रहती है और एक लड़की भी है दादी की, है ना, तीन लड़के हैं और एक लड़की है। तो तुम तो सब प्रणाम छा ना आशीर्वाद या सब होता है भले, अब तुम तो देखी था भले दादी याद बल सब होता है। दादी का आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए। तो दादी जा रही है घूमने के लिए रोड पे, ठीक जीता वाह जा बताओ। ठीक जीता। तो अभी हम यहाँ पे जॉब उतरे थे ना, तो अचानक से हमें ये लकड़ी दिखी, और इस पे देखो ये कैसे बने हुए हैं, जैसे दुखने हो रखे होंगे किसी के पैर पे, और ये पूरा पैर का ही सेप दिख रहा है। मम्मी ने अचानक से मेरे मुंह पे लाई, क्यों खुट जबल, मैं एकदम से डर गई यार, मैंने कहा ये क्या खटवा है दुखना, मैं कुल्ले से वो कुदाल से खंड रही थी वो यहाँ के चंदा दे पा रहे इस पे दुखने हो रखे हैं दोस्तों, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, पैदल चल के आया कहीं से, इसके पैरों में छाले हो गए बहुत ज्यादा, ये देखो सेम ऐसा लग रहा है किसी का पैर छोड़ गया। मोनिका अपने ध्यान में लगी, तो मोनिका देखा किसका पैर है, मैं डर गई से, मैंने कहा किस बच्चे का पैर है, उसमें दुखने भी हो रखे ऊपर से। कुदरत का करिश्मा नहीं, बोल वाला कटकटा छिन भाई, पता नहीं क्या हो रखा है, ये कोयले जैसे हैं इनके अंदर, सुते नीचे मशरूम तो नहीं छिन माई काला हुआ है, पता नहीं भाई हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है शायद मशरूम पे कहां होते हैं, पर होते हैं मशरूम की तरह है, हां मशरूम जैसा लग रहा है शायद, वो हो गए होंगे, सड़ गए होंगे ना, लकड़ी भी सड़ गई तो इस वजह से, तो इस लकड़ी ने मुझे बहुत डरा दिया आज, इस लकड़ी के पैर ने, ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमें चाय वाली चाची भी मिल गई है। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे होंगे दोस्तों, आप भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हाँ। तो सर्दी बहुत हो गई है, हाँ, पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है, पहाड़ों में बहुत, और ये देखो ये क्या है, इसको बताओ जरा ये क्या हो रखा है, इस पे दुखने क्यों हो रखा है, अच्छे कुले बनते हैं ना दोस्तों, पर इस पे दुखने क्यों हो रखा है, अच्छा बनता है इसका, बहुत अच्छा राग बनता है इसका, उस पे दुखने क्यों हो रखा है पहले ये बताओ क्या है ये, मतलब डर खोटो दुखना बोल मम्मी ने डरा दिया मुझे, बोल रही किसका पैर है वाली, लकड़ी पे कुछ कुछ लकड़ियां पे ऐसे ही होता है, हाँ, ये भगवान कुदरत का, कुदरत की दीन है, हाँ, कुदरत का करिश्मा। अभी कहाँ की तैयारी है दुकान में, अब नहीं, हाँ, घास के लिए जा रही हूँ, अच्छा दौड़ भाग पहाड़ियों की, कपड़े धो के आ रही दोस्तों, अच्छा घास के लिए जाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, चाय पीने का टाइम ही नहीं है चाची के पास, हम बोल रहे चाय पी के जाओ, क्यों चाची को इतना परेशान कर देते ना सब लोग, क्योंकि चाची है डलखा और सब लोग बोलते हैं मेरा पेड़ काटो, है ना, कोई बात नहीं दोस्तों, हाँ चाची तो हर किसी का काम करने के लिए तैयार है, चढ़ सकते हैं उसी को बोलते हैं, हाँ सबको तो नहीं बोलते हैं, सही बात। तो दोस्तों अभी हमारे घर पे देखो हमारे सब्सक्राइबर आ रखे हैं लुधियाना से, हेलो कैसे हो आप सब लोग, बहुत बढ़िया, और बहुत ज्यादा इच्छा थी इनकी हमसे मिलने की और मिल भी गए। कैसा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, मोनिका को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, और रिश्ते में शायद हमारी बुआ भी लगते हैं ना, हाँ हाँ बुआ ही समझ लो, उनका मायका भी इधर ही है, थलासू में मायका है इनका, और ससुराल का है, हाँ, तो बहुत ज्यादा इच्छा थी इनकी मिलने की, हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आते रहना, जब भी गांव में आओगे तो मिलने आना हमसे, ठीक है, मंदिर में कभी ब्याह हो गया हमारे घर पे जरूर आना, काम धाम करने के बाद ना खाना खाने का अलग ही मजा रहता है, क्योंकि भूख भी लग जाती है, तो हमारा नाश्ता अब हो रहा है, लगभग 9:30 बज गए हैं, और अभी बना रखा है मैगी और कोदे की रोटी, कैसी हो रही तब, स्वादिष्ट हो रही है दोस्तों, क्या बताएं, बहुत ही कोदे की रोटी तो वैसे भी स्वादिष्ट ही होती है, मुझे तो रोज कोदे की रोटी भी दो तो मैं खुश रहती हूँ, बनाओ सदा, नहीं बनाओ ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं मंदिर साइड, और हमारे गांव में बारात है ना, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, मतलब आते जब बारात आती है उस टाइम भी, और जब बारात जाती है उस टाइम भी मंदिर में आते हैं, तो काले भाई भी पहुंच गए यहाँ पे बारात देखने के लिए, और मम्मी भी पहुंच गए यहाँ पे बारात देखने के लिए, और अभी सारे बाराती जा रहे हैं मंदिर में, दूल्हा भी मंदिर में जा रहा है, और बारात जा रही है रतोड़ा गाँव में, जहाँ मोनिका सिलोड़ी का गाँव है वहाँ जा रही है, मेरा मायका है, हाँ मम्मी का मायका तो सुमेरपुर है, लेकिन बारात रतोड़ा में जा रही है, ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी, हाँ इसीलिए आई मम्मी मेरे मायके जा रही है बोल के बारात है, ऐसे होता है शादी के बाद, चलिए नोलन कुछ माथी जन्मदन का छपे गढ़ में बैठो, खिड़की वाली सीट चाहिए होती थी ना, बारात पीछे छूट जाती, हम लोग पहले पहुँच जाते थे गाड़ी में, तो दोस्तों अभी बारात देख के आगे हम सिंगर चाची के घर पे, हेलो चाची जी, हेलो दोस्तों सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, ठीक ठाक हैं आप लोग, तो दोस्तों ज्यादा जल्दी में बोल रही हूँ इसलिए कि वो पूरा ब्लॉग हमारा ही हो जाएगा, हेलो हाय मैं बन जाएगा पूरा ब्लॉग, हेलो चाची जी,
हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे के दिल बरा देखने। हाँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ शादी में, सगाई में, सगाई में जा रही है। हाँ। बहुत दूर दोस्तों, हमें इतनी याद आए कि मेरा शरीर लग रहा है। मैं कल है। हाँ। शाम तक मिलेंगी, एक बार तो जरूर मिलूंगी मैं, फिर शाम को बूढ़े चले जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? सुबह तो मैं 4 बजे जाऊंगी। जा कहाँ रहे हो तो बताओ? पंजाब। मैं जा रही हूँ जलंधर शादी में। जब कोई वहाँ मिलेंगे आपको सस्कराए बोल दो, वहाँ से जाऊंगी मैं दिल्ली। हाँ। सगाई हो के तब आऊंगी दिल्ली। तो दोस्तों ये जलंधर जाएगी और वहाँ से ये दिल्ली जाएगी, तो वहीं पे कोई होगा तो इसे जरूर मिलना। हाँ। मिलना जरूर, तो मैं रहूंगी कैसे उतने दिन तक? दोस्तों हमारे बिना पति के साथ जा रहे हैं, पर फिर भी याद आ रही है दोस्तों की। इसनी होंगी छुई यहाँ दगड़ी छुई लग रही है बहुत ज्यादा। अरे हम भी, हमें भी, मेरा शरीर भी बहुत नखरा हो रहा है सच में। सवेरा सवेरा यार जाने का, मेरा मन तो उतना नहीं करता। ऐसे 2-3 दिन के लिए घूमने चले जाओ, आपको पता होगा मेरे को घर से बढ़िया कहीं नहीं लगता। और रिंग होती है, रिंग रिंग है राजू, तुम गाड़ी के गाड़ी का नाम मत लो तुम, सच में क्या करो गाड़ी का नाम? नींबू मंगा रखे हैं, गाड़ी में नींबू खा के जाऊंगी। अब दोस्तों कोई ना वहाँ फोन पे नहीं लगाता स्टेटस गाड़ी की वीडियो, मैं उसे देखती हूँ ना तो मुझे रिंग आ जाता है स्टेटस। हाँ सही में, एक दिन रुचि ने लगाया था ना, रुचि देखेगी तो उसको, रुचि ने लगाया मैंने देखा मेरे को यही सर रिंग लग गई है। तो दोस्तों अभी जा रही है अमीषा पेणू देने के लिए, यानी कि सबको मिठाई देने के लिए, पहाड़ी मिठाई। तो दिखाओ तो क्या क्या है पहाड़ी मिठाई में? यह है रोटने। हाँ। और यह है अरसे। रोटने का डिजाइन दिखा दो। डिजाइन खराब हो रखा है तो ऐसी होती है पहाड़ी मिठाई दोस्तों, डिजाइन खराब हो रखा है क्योंकि ये कुरकुरे वाले है ना, एकदम टूट जाते हैं। सूजी मिला रखे डिजाइन। हाँ, तो ऐसा डिजाइन होता है, मतलब पहाड़ों में जब शादी ब्याह शुभ काम होता है ना तो अरसे रोटने बनते हैं पहाड़ी मिठाई। तो हमेशा शादी में जा रखी थी तो इसीलिए इसको बांटने के लिए ले जा रही है। मेरे को शादी में भी सब्सक्राइबर मिले थे, लड़के की साइड से भी और लड़की की साइड से, बात करने के लिए शर्मा रहे थे पर लास्ट टाइम पे करी दी थी। हाँ, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमेशा। हाँ। को मिले तो हमेशा जा रही है पेणू बांटने। ठीक है, तो बाय बाय बाय। तो दोस्तों अभी दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में कौथी देखने के लिए, और कौथी लगभग 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है। मम्मी लोग तो चले गए थे 2 बजे और मैं अब जा रही हूँ सारे काम काज निपटा के। कौथी देख के आगे हैं घर पे, और बीच में मैं आप लोगों से बात कर रही थी अपने फेक पेज के बारे में, तो वो फिर से मेरी वीडियोस डालने लग गया है फेसबुक में। पहाड़न क्यूट गर्ल नाम से उसका पेज है और प्रोफाइल भी मेरी है, वीडियो भी मेरी यूज़ कर रहा है। तो आप लोग फेसबुक में कृपया करके मेरी वीडियोस ना देखें, यूट्यूब में मेरी वीडियोस रहती हैं, मैं फेसबुक में कोई भी वीडियो नहीं डालती हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पेज को अनफॉलो करें, रिपोर्ट करें ताकि वो मेरी वीडियोस ना डालें। अगर मैं कभी भी मतलब कोई भी वीडियो में ऐसे बोलती हूं तो वो अचानक से फिर से अपना पेज हाइड कर देता है, मतलब जैसे वो सोचता है ना कि मुझे अनफॉलो करने लग गए लोग तो वो अपना पेज हाइड कर देता है, जिससे किसी को उसका पेज मिलता ही नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा अनफॉलो करें, रिपोर्ट करें ताकि वो मेरी वीडियोज़ फेसबुक में ना डालें। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के लगभग 7 बज रहे होंगे। हाँ, और 7 बज रहे हैं ना। और अभी हम आ रखे हैं मंदिर के यहाँ पे क्योंकि बारात आने वाली है, और हमारे गांव के तो सबसे पहले बारात देखने के लिए सबसे पहले हम दोनों। फोन कर दिया था जैसे बैंड बजने लगे चला। हाँ, तो हम यहाँ पे आ रखे हैं दुल्हन को देखने के लिए और बारात को देखने के लिए भी, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं अभी बारात। हेलो सिंगर चाची, डांस का है आपका? भांगड़े बज रहे हैं, डांस नहीं कर रहे हो आप? ठीक है, मेरे शादी के लिए बचा के रखो डांस। बारात तो चले गई अपने घर, अब हम भी चलते हैं। सही बात है, चलो तो।
तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बारात देख के घर पे और एक एक टकाटक लेके भी आ गए, तो साथ साथ में ब्लॉग को एंड करते हैं। अनमोल करेगा नहीं, क्यों नहीं, हमेशा नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।